हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू स्टडी मटेरियल्स के बारे में। स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल्स के प्रिंटेड कॉपी आपको कब तक मिल जाएगा, या टाइमली आपको प्रिंटेड कॉपी ना मिले तो क्या करना है जिससे जल्दी से जल्दी आपको सारे बुक्स मिल जाए। वीडियो ऑनलाइन ऑडियंस सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो के अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना एंड चैनल नया है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी मटेरियल्स का सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी जो है वो आप इग्नू के ऑथोराइज साइट से डाउनलोड कर सकते हो, और प्रिंटेड बुक्स जो है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे इग्नू की तरफ से सेंड किया जाता है। पहले हम प्रिंट कॉपी के बारे में जान लेंगे और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम देख लेंगे। एडमिशन लेते टाइम डिटेल्स के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक में आप 15% डिस्काउंट ले सकते हो अगर आपको स्टडी मटेरियल्स का प्रिंटेड कॉपी नहीं चाहिए तो, और दूसरे में आप स्टडी मटेरियल के जो प्रिंटेड फॉर्म है वो चूज कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि एडमिशन के टाइम कौन सा ऑप्शन आपने चूज किए थे, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये सेकंड वाले जो ऑप्शन है, मतलब स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म का जो ऑप्शन है उस पे रहता है। तो आप खुद से चेंज नहीं किए हो तो स्टडी मटेरियल के जो प्रिंटेड कॉपी है वो आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया थे, तो स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करते टाइम वो भी हम देख लेंगे। स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये वाले लिंक पे आ जाना है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे आने के बाद आपका जो सेशन है, मानो के आपको आपका सेशन है जुलाई 2022, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिधर आपको मटेरियल डिस्पर्स स्टेटस देखने को मिलेगा। इधर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो डालना है, और नंबर डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो मटेरियल डिस्पर्स स्टेटस है वो इधर आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इधर आपको दिख जाएगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो कब है और वो कहां से डिस्पैच हुआ है। तो जैसे इधर BCOS 184, इसका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था 2 अगस्त को है, और ये कहां से डिस्पैच हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। अगर बुक अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है तो ऐसे 00 करके आता है। कभी कभी इधर आपको एक बार कोड दिखता है इस टाइप का, इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इधर आपको ट्रैक एंड ट्रेस वाले जो सेक्शन है उसके आपको वो वाला नंबर जो है वो डालना है। डालने के बाद आपको ट्रैक नाउ पे क्लिक करना है। ट्रैक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्टडी मटेरियल स्टेटस है वो डिटेल्स में आपको दिख जाएगा। लॉट नंबर पे या रिमार्क्स पे अगर आपको EMAT ऑप्टेड बाय स्टूडेंट्स ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने 15% डिस्काउंट लिए हो और आपको प्रिंटेड कॉपी जो है वो इग्नू की तरफ से सेंड नहीं किया जाएगा। आपको आपका स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा इग्नू के साइट से। स्पेशली अगर आपको ये वाला बारकोड जो है वो अगर मिले, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो लिखा है उससे अगर मानो के 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया लेकिन फिर भी आपको आपके बुक्स नहीं मिले, तो आपको आपका जो पोस्ट ऑफिस है उधर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि पोस्ट ऑफिस से आपके जो एड्रेस है उधर डिलीवर करने में लेट करते हो लोग, पोस्टमैन को शायद आपका एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस में जाके देख लेना है। स्पेशल बहुत सारे टाइम पे पोस्ट ऑफिस में ही वो बुक पड़ा रहता है, तो आप थोड़ा इंक्वायरी करोगे तो पोस्ट ऑफिस से आपको बुक मिल जाएगा। इग्नू की तरफ से बोला गया है कि एडमिशन के 1 महीने बाद आपका जो बुक है वो डिलीवर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 2-3 महीने लग जाता है। बुक जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि सारे बुक्स एक साथ मिल जाता है, ज्यादातर टाइम आपको 1-2 बुक्स करके मिलते रहते हैं। कभी कभी 4 बुक्स आ जाता है, कभी कभी 3 बुक्स आ जाता है, ऐसा होता है। एडमिशन के 2-3 महीने बाद भी अगर आपको आपके सारे बुक्स ना मिले तो आपको इस लिंक पे आ जाना है, igram.ignu.ac.in, और इस पे आने के बाद आपको इधर ग्रेवियंस कैटेगरी दिख रहा है, सिलेक्ट क्वेरी टाइप पे आपको क्लिक करना है, और इधर स्टडी मटेरियल चूज करना है आपको, और सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको नॉट रिसीव्ड लिखना है, और इनकम्प्लीट सेट अगर आपको 2-3 बुक मिले और बाकी ना मिले तो इनकम्प्लीट सेट लिख सकते हो। अगर आपको गलत बुक मिल जाए, गलत बुक का मतलब आप इंग्लिश मीडियम चूज किए हो लेकिन आपको हिंदी मीडियम का बुक्स आ जाए, तो आप रॉन्ग मीडियम लिखे, या आपको गलत बुक आ जाए तो रॉन्ग मटेरियल लिख सकते हो। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रीजन एंड सेंटर है वो चूज करना पड़ेगा। इधर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपका जो नेम है वो दे देना है, आपका प्रोग्राम नेम जो है वो डालना है, फिर आपका जो ईमेल आईडी है, आपने एडमिशन के टाइम जो ईमेल आईडी से आपने एडमिशन लिए थे वही आपको इधर देना है, आपका जो मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालना है इधर, और क्वेरी में आपका जो क्वेरी है वो लिख दो। आप इधर जो जो बुक्स आपको नहीं मिला है वो डाल सकते हो, फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये वाला पॉपअप आ जाता है, इसको आप ओके कर दीजिए, तो आप फिर से ये पहले पेज पे आ जाओगे और इधर आपको दिख रहा है ट्रैक ग्रेवियंस रेस्पॉन्स स्टेटस, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इधर एंटर GS टोकन नंबर बोल रहा है। ये जो टोकन नंबर है वो आपको आपका जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पे सेंड किया गया है, तो वही टोकन नंबर आपको इधर डालना है। पेस्ट करने के बाद आपको गेस्ट स्टेटस बोर्ड का जो बटन है उस पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेरी था वो 5 नवंबर को किया गया था और उन्होंने इसको 11 नवंबर तक इसका रिप्लाई जो है वो दिया है, मतलब क्वेरी जनरेट करने के 6 से 7 दिन बाद आपको आपका जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट रिप्लाई में उन्होंने यही बोला है कि आपका जो स्टडी मटेरियल वो मिल जाएगा आपको, और जब तक आपको आपका स्टडी मटेरियल ना मिले आप ई स्टडी मटेरियल से आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू कीजिए। और उन्होंने इधर ये भी बताया कि आप
डायरेक्टली mpdd@ignu.ac.in इस वाले जो ईमेल आईडी है उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिख के ईमेल कर सकते हो। तो ईमेल आपको कैसे लिखना है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। इधर एक नॉट सेटिस्फाइड का बटन भी दिया गया है, पर इसका क्या काम है मुझे पता नहीं। आप फिर से इसको रिसेंड कर सकते हो कोई कमेंट देके। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मेल कैसे करना है। आपका जीमेल ओपन कर लेना और सब्जेक्ट में आपको लिखना है रॉ रिसीट ऑफ स्टडी मटेरियल। और आप भेजोगे कहाँ पे, आपका जो रीजनल सेंटर है उसको भी आप ऐड करना और mpdd@ignu.ac.in इसको भी आप ऐड करना। आपका जो रीजनल सेंटर है उसका अगर ईमेल आईडी आपको नहीं पता है तो बेसिकली ये क्या होता है, आरसी लिखना पड़ता है पहले और आपका जो रीजन है वो आप डाल दो और @ignu.ac.in। आपको अगर एक बार चेक करना है तो आप रीजनल सेंटर के ये वेबसाइट जो है इस पर आ जाओ और आपका जो भी रीजन है, मानो कि आपका भुवनेश्वर है, तो इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये इधर आप देखना कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको मिल जाएगा rcbhuvaneswar@ignu.ac.in। दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर है तो वो rcdelhi 1, rcdelhi 2, rcdelhi 3 ऐसा करके होगा। पुणे का आप देख सकते हो rcpune.ignu.ac.in। सब्जेक्ट में आपको लिखना है नॉन रिसीट ऑफ स्टडी मटेरियल, फिर आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम नेम, आपका मीडियम ऑफ स्टडी लिखना है, हिंदी है और इंग्लिश है वो आपको लिख देना है, और रीजनल सेंटर जो है वो आपको लिख देना है। फिर जो जो सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिला है वो आपको ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखना है, और लिखने के बाद आपका जो एड्रेस है वो डाल देना है, और अटैचमेंट में आप आपका जो आईडी कार्ड है वो आप अटैच कर देना है इसके साथ, और फिर आपको ये मेल जो है वो सेंड कर देना है। अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हो लेकिन फिर भी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको नहीं मिलता है तो आपको आपके जो रीजनल हेड ऑफिस है उधर जाना है। रीजनल हेड सेंटर के एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये वाले लिंक पे आ जाना है और आपका जो रीजन है वो चूज करना है। चूज करने के बाद आपको आपका जो रीजनल हेड सेंटर है उसका वेबसाइट आ जाएगा और उसी वेबसाइट में आपको रीजनल हेड सेंटर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। आपको उधर जाना है और जाने के बाद 100% चांसेस है कि आपको उधर से आपका जो स्टडी मटेरियल वो मिल जाए। तो जल्द से जल्द स्टडी मटेरियल पाने का बेस्ट तरीका ये है, आप आपका रीजनल जो हेड ऑफिस है उधर चले जाओ। आपका आईडी कार्ड और आपका एडमिशन डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए और आपके रीजनल हेड ऑफिस में अगर आप इंक्वायरी करोगे तो उधर से आपको बुक मिल जाएगा। लेकिन रीजनल हेड ऑफिस से बुक कलेक्ट करने से पहले आपको 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा, ये आपको याद रहे। रीजनल हेल्थ सेंटर में जाने के टाइम आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो एडमिशन डिटेल्स है वो जरूर साथ लेके जाना। स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ फॉर्मेट में जो होता है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप देख लेना। आशा करते हैं प्रिंटेड मटेरियल के बारे में या बुक्स के बारे में आपका जितना भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो के कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे और चैनल में आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डिटेल्स में आपके लिए वीडियो लाती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।